हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि WHO के द्वारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफिनेशन दी गई है उसमें एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन जो है वो है जो कम्प्लीटली सभी एस्पेक्ट्स में, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल हो, अगर वो हेल्दी है तो हम ये कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। हम लोगों ने इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत पढ़ा था RCH प्रोग्राम के बारे में और हम लोगों ने देखा था कि RCH प्रोग्राम क्या है और कैसे ये फंक्शन करता है। आज हम लोग बात करेंगे RCH प्रोग्राम की स्ट्रेटजी क्या थी, RCH प्रोग्राम के द्वारा कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए जिनसे कि देश के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सुधार हुआ और ऐसे कौन से दो महत्वपूर्ण कार्य जो थे वो RCH ने किए जिनसे कि एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो इस देश के अंदर लोगों के अंदर आई। तो हम लोग आज देखेंगे कौन सी चीज देखेंगे कि जो RCH प्रोग्राम है इसकी स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी ऑफ RCH प्रोग्राम, स्ट्रेटजी क्या है RCH प्रोग्राम की, यानी कौन कौन से स्टेप्स जो थे वो RCH प्रोग्राम के अंतर्गत उठाए गए। तो RCH प्रोग्राम के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण जो है वो कार्य किए गए, दो मेजर टास्क थे जो RCH प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो किया गया। सबसे पहली चीज क्या थी इसमें, सबसे पहली चीज ये थी कि लोगों के अंदर रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स को लेकर के अवेयरनेस फैलाई गई, ऐसी चीजें जिन पे कि लोग बात करना नहीं चाहते थे तो उन चीजों को कम्युनिकेबल बनाया गया ताकि लोग एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। और दूसरी चीज क्या किया गया, दूसरी चीज किया गया कि जितने भी ऐसे लोग थे जो सामने आए जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम से जो है वो ग्रसित थे, तो उनके लिए एक अच्छा सपोर्ट और एक अच्छे केयर की व्यवस्था की गई। तो देयर आर टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय The RCH program। दो जो महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए गए, सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप ये था कि जो भी लोग अनअवेयर थे उन लोगों को अवेयर करना, उन लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना। सबसे पहली चीज क्रिएटिंग अवेयरनेस among pupils creating awareness among people about various reproductive aspects। सबसे पहला काम जो RCH ने किया कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई, किससे, भिन्न भिन्न प्रकार के रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से या रिप्रोडक्टिव जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में। और दूसरा स्टेप क्या था, जो दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप था कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फैसिलिटीज for building up a reproductive
हेल्दी सोसाइटी, तो दो ये महत्वपूर्ण स्टेप्स थे जो आरसीएच ने लिया। सबसे पहली चीज जो देश के अंदर जो है वो इलिटरेसी थी, अशिक्षा की वजह से लोग जो है वो इन रिप्रोडक्टिव रिलेशंस के ऊपर बात करने में शर्म महसूस करते थे, लोगों के अंदर जानकारी का अभाव था, जागरूक नहीं थे, इनके अंदर जागरूकता का भी अभाव था। तो आरसीएच ने क्या किया कि सबसे पहले जो है वो अवेयरनेस फैलाया इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने में संकोच ना हो, और ये सारी चीजें जो है वो आरसीएच प्रोग्राम ने किया। दूसरी चीज कि सपोर्ट दिया और वो सारी फैसिलिटीज दी जिनसे कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हो सकता है। तो ये दो चीजें जो है वो दी गई थी। अब इन दोनों कार्यों को करने के लिए क्या क्या करना पड़ा आरसीएच को, या जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी वो इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? तो सबसे पहला काम जो करना पड़ा कि जितनी भी गवर्नमेंटल एजेंसीज थी या जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज थी उनको भिन्न भिन्न स्टेप्स उठाने पड़े ताकि लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस फैला सके, लोगों के अंदर जागरूकता फैला सके। अब ये कई सारे माध्यमों से हो सकता है, सेमिनार्स के द्वारा, सिंपोजियम के द्वारा, ऑडियो विजुअल सिस्टम के द्वारा, या फिर गांव में चौपाल लगा करके जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे ये हम सप्ताह में चौपाल लगाते थे और लोगों को बैठा करके इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते थे। तो ये विधियों के द्वारा लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई गई। कैसे? गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस among the people about reproduction related aspects with the help of audio visual and private media। क्या किया गया? प्राइवेट मीडिया का मतलब जो भी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के ऊपर एक गहरा असर पड़ता है, उन सारी माध्यमों का सहायता लिया गया। जैसे गांव के लोग जो हैं वो नौटंकी देखना पसंद करते हैं, तो ऐसे में नौटंकी कंपनियों को बुलाया गया और उनको इस चीज के बारे में बताया गया कि आप अपने ड्रामे के अंदर इन चीजों का समावेश करिए और इस तरह के रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी की स्थापना की जा सकती है ताकि लोग जो है इसको ड्रामे में देख करके या फिर गाने में सुन करके या फिर कोई ऐसे नाटक को देख करके प्रभावित होंगे और वो किसी भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को लेकर के संकोच नहीं करेंगे बल्कि वो खुल करके सामने आएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला जा सकता है। तो सबसे बड़े जो चैलेंज था गवर्नमेंट के सामने कि लोगों को इस बारे में समझाया जाना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और शेयर करेंगे जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को तो उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही था। अब इसमें क्या किया गया? सबसे पहले तो ये किया गया। दूसरी चीज गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन
एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। क्या किया गया? सबसे पहले स्कूल और कॉलेजेस के अंदर सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया गया, इंटर कराया गया। दूसरी चीज क्या हुई कि पीपल इन द ओल्डेस्ट एज ग्रुप, पीपल इन द ओल्डेस्ट एज ग्रुप, ओल्डेस्ट एज ग्रुप आर ऑल्सो convinced to give the information to their further generation। जो बुजुर्ग लोग थे उनको भी इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वो अपनी अगली पीढ़ियों को इन चीजों के बारे में बताएं। और ऐसे लोग जो एडोलेंस एज ग्रुप में थे, पीपल इन एडोलेंस एज ग्रुप, जितने भी ऐसे लोग थे जो एडोलेंस एज ग्रुप में थे, दे मस्ट बी गिवन प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मस्ट बी given proper information, proper information regarding the following, किन चीजों के बारे में एडोलेंस एज ग्रुप वाले लोगों को बताया गया, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी। सबसे पहली चीज कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, सबसे पहली चीज जो बताई गई वो क्या चीज बताई गई, ऐसे सभी लोग जो एडोलेंस एज ग्रुप में थे। एडोलेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे जिनके अंदर हार्मोनल चेंजेस जो है वो शुरू हो जाता है, उन सभी एज ग्रुप के लोगों को सबसे पहली चीज क्या बताई गई, सबसे पहली चीज बताई गई रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनको रिप्रोडक्शन के बारे में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई। एडोलेंस एंड द रिलेटेड चेंजेस, एडोलेंस एंड रिलेटेड चेंजेस। एडोलेंस क्या होता है और इस एडोलेंस के समय में कौन कौन से चेंजेस जो है वो बॉडी के अंदर आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में ऐसे सभी लोगों को जो एडोलेंस एज ग्रुप में आते थे इनको बताया गया। यानी एडोलेंस एज ग्रुप मतलब 13 टू 19 यानी जो टीन एज है, इस टीन एज के अंतर्गत कौन कौन से चेंजेस जो है वो बॉडी के अंदर होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर, इनसे इनको अवगत कराया गया, इससे इनको अवेयर कराया गया, ताकि ये इस तरह के होने वाले चेंजेस को लेकर के प्रॉब्लम में ना आए, वो परेशान ना हो कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अगर किसी भी देश की यूथ जो है वो अवेयर है तो आगे वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, दोनों पीढ़ियां जो होती है वो अवेयर हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो ऐसे लोग थे जिनको एडोलेंस एज के अंतर्गत रखा जाता है उनको इस अवेयरनेस की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। दूसरी चीज क्या बताई गई, सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के बारे में, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कैसे हो, कैसे जो है वो सेक्स रिलेशंस जो है वो सेफली एक्ट किए जाएं, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो जानकारी दी गई वो एसटीडीएस
और किसके बारे में? एड्स के बारे में, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो उन सारे लोगों को दी गई जो एडोलेंस एज के अंतर्गत आते हैं। और यही रीजन है कि आज स्कूल और कॉलेजों में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उस सिलेबस में इन चीजों को इंक्लूड कर दिया गया, ताकि एडोलेंस एज में जब स्टूडेंट जो है वो क्लास 9th में आता है, 10th में आता है, तो उसको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हो जाए और वो इन चीजों को अच्छे से समझ पाए, फिर वो क्लास में इन चीजों पे डिस्कशन कर पाए अपने टीचर से कर पाए, और उसके मन में जो एक भ्रम है, जो माइक है, जो बहुत सी जगहों पे वो सुनता है या कुछ जगहों पे वो पढ़ता है, तो वो उस माइक से निकल करके बाहर आ पाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि इस एज ग्रुप के लोगों को अवेयर कराना। तो इतना तो ये हुआ, फिर अभी क्या किया गया अगला स्टेप, कि जब इतने सारे स्टेप उठाए गए तो क्या देखा गया कि बहुत से लोग इन चीजों को समझना ही नहीं चाह रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो इसका रीजन क्या था, क्या रीजन था कि बहुत से लोग इस चीज को समझना नहीं चाहते थे, भाग जाते थे, बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ये चीजें समझ में ही नहीं आ रही थी, तो या तो भाग रहे थे या फिर समझ नहीं पा रहे थे। तो इसका जो मेन रीजन निकल करके सामने आया, बहुत सारे सर्वे हुए, तो उसमें जो रीजन निकला वो क्या था कि लोगों के अंदर जो है वो इलिटरेसी है, लोगों के अंदर अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव है, और शिक्षित ना होने के कारण लोग इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए जो अगला स्टेप लिया आरजीएस ने वो क्या था कि लोगों को स्कूल की तरफ ले चले, उनको एजुकेट कराए। तो सबसे बड़ा टास्क था आरजीएस के सामने कि लोगों के अंदर लिटरेसी हो, लोग जो है वो शिक्षित हो, और लोगों के अंदर जो है वो शिक्षा आए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोग्राम चलाए जिससे कि सभी गांव से, सभी क्षेत्रों से, पूरे देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से बच्चों के अंदर पढ़ने के लिए जो है वो प्रवृत्ति जागृत हो। गार्जियंस को कन्विंस किया गया कि आप अपने स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए और उनको शिक्षित बनाइए, शिक्षा के जो प्रभाव है, जो शिक्षा से होने वाले लाभ हैं, इनके बारे में बताया गया। गवर्नमेंट का ये जो स्टेप था ये सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इससे जो है वो सभी डायरेक्शंस में जो लाइवलीहुड है, जो जो है वो हेल्थ का मैटर है, या जो नौकरी वगैरह की बात है, इन सब चीजों में जो है वो पब्लिक को फायदा मिलने वाला था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो इसी को माना जाता है, क्या चीज, कि एजुकेटिंग द पीपल, एजुकेटिंग द पीपल, लोगों को क्या करना, शिक्षित करना, खासतौर पे कौन से लोग, स्पेशली दोज हु कम्स इनटू मैरिजेबल एज, खासतौर पे ऐसे लोग जो मैरिजेबल एज में थे, यानी जो विवाह योग्य हो रहे थे या जो विवाह योग्य हो गए थे, ऐसे लोगों को खास तौर पे शिक्षित करने का प्रोग्राम बनाया गया। एंड और किसको, एंड फर्टाइल कपल्स, ऐसे लोग जिनका विवाह हो चुका था और जो संतान को जन्म देने में सक्षम थे। तो क्या क्या चीजें बताई गई, सबसे पहली चीज जो इनको बताई गई वो क्या चीज बताई गई, अबाउट बर्थ कंट्रोल। सबसे पहली चीज जो बताई गई वो बर्थ कंट्रोल के बारे में बताई गई कि कैसे जो है वो हम अपना परिवार सीमित रख सकते हैं, कैसे छोटा परिवार कर सकते हैं और छोटे परिवार के क्या लाभ हो सकते हैं। और दूसरी चीज कि बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस कौन कौन से हैं, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका यूज करके जो है वो फैमिली को एक न्यूक्लियर फैमिली बनाया जा सकता है, एक छोटा परिवार बनाया जा सकता है। दूसरी चीज जो उस समय हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, कि जो सबसे बड़ी बात थी वो क्या थी, वहां पे
जो मैटरनल डेथ रेट थी वो बहुत ज्यादा थी उस समय में, यानी जो मातृ मृत्यु दर थी, जो महिलाएं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत सी महिलाएं जो थी वो मर जाती थी, तो उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए भी स्टेप उठाए गए। तो कैसे स्टेप उठाए गए, उनके अंदर केयर किया दिया गया किस चीज के लिए, द केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कैसे केयर किया जाए, कौन कौन सी सावधानियां जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होनी चाहिए, इन चीजों के बारे में अवेयर कराया गया। और क्या चीज कराई गई कि पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का और बच्चे की माँ का कैसे ध्यान रखा जाए, इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाई गई, खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए जो कि फर्टाइल कपल्स थे या फिर जो ऐसे थे जो मैरिजेबल एज में आ गए थे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उनको भी इन स्थितियों से गुजरना था, तो इन सब लोगों को जो है वो अवेयर कराया गया। अगली चीज क्या की गई, बताया गया इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई, माओ को उत्साहित किया गया कि वो अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं और उनके दूध से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। क्या चीज बताया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया, किसके लिए, मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए। इसको बताना क्यों आवश्यक था, इसको बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि पहले के समय में लोगों के अंदर भ्रांतियां थी कि बेटा दूसरा चीज है और बेटी दूसरी चीज है, तो लोग बेटियों को जन्म देना नहीं चाहते थे। भारतवर्ष के बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी बेटियों को तो जन्म के तुरंत बाद ही मार दिया जाता था। अभी साइंस और मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट के साथ ही अभी माँ के गर्भ में ही इस बात की जांच हो जाने लगी कि माँ के गर्भ में बेटी है या बेटा, तो लोगों ने प्रयत्न किया कि बेटियों को मार दिया जाए, जिससे कि देश के अंदर सेक्स रेशियो जो था वो घट गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, फीमेल जो बच्चे थे वो कम हो गए जबकि मेल की संख्या जो है वो बढ़ने लगी। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सभी पेरेंट्स को, जितने भी ऐसे फर्टाइल कपल्स थे, उनको बेटा और बेटी के अंदर समानता के बारे में समझाया गया कि बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है। लोगों के अंदर ये भ्रांतियां थी कि बेटा जो है वो वंश आगे बढ़ाता है, लेकिन इस माइथ को निकालने के लिए प्रयत्न किया गया कि बेटियां भी जो है वो किसी से कम नहीं है। बहुत सारे जो है वो गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जिसमें केवल बेटियों को ही लाभान्वित होने के लिए अवसर प्रदान किया गया, लोगों के अंदर लालच आया, उनको सिक्योरिटी की बात कही गई, उनकी पढ़ाई के लिए कहा गया कि उनको पढ़ाया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, नौकरियों में भी उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज दी गई कि अगर बेटियां पढ़ के आगे आएंगी तो उनको इस तरह से जॉब मिलेगी, और उसका रिजल्ट भी बहुत सकारात्मक रहा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला। आज देश के हर फील्ड में जो है वो लड़कियां हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, साइंटिफिक फील्ड हो, अगर हम लोग अपने डिफेंस की बात करें तो सुरक्षा के मामलों में भी बेटियां आगे हैं, आज मिलिट्रीज में, पैरामिलिट्रीज फोर्सेस में, पुलिस में, सब जगह पे लड़कियों का दबदबा है। तो इस चीज के तो पॉजिटिव परिणाम आए, लोगों ने बेटियों को जन्म देना शुरू किया और बेटियों को पालना शुरू किया, उनकी शिक्षा के बारे में केयरफुल होना शुरू किया, और आज उसका परिणाम जो है वो सामने है कि देश के हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में बेटियों का अपना एक अलग स्थान है और बेटियां सर्वाइव कर रही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि बेटा और बेटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए इट डज नॉट हैव एनी मैटर दैट व्हाट काइंड्स ऑफ चाइल्ड यू आर गिविंग बर्थ।
आप किस तरह के बच्चे को जन्म दे रहे हैं, वो बेटा है या बेटी है, इस बात से कोई मतलब ना हो। और लास्ट स्टेप जो था वो ये कि अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, एंड सोशल एविल्स लाइक अब्यूज, लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। क्या बताया गया? लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई गई किसके बारे में? ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन से क्रिएट होती हैं। यानी जब असीमित जनसंख्या का प्रसार हो जाता है किसी भी देश में, जब जनसंख्या जो होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इन चीजों के बारे में बताया गया। इसके साथ साथ कुछ सामाजिक बुराइयां जो सेक्स अब्यूज के रूप में या फिर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के रूप में होती हैं, इनके बारे में भी लोगों के अंदर जागरूकता फैलाया। किसने? RCH ने। किसने फैलाया? RCH ने। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हम लोगों ने पढ़े ये RCH प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। RCH ने लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस फैलाने के लिए इतने सारे स्टेप्स लिए और इन सारे स्टेप्स के जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले। लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, लोगों ने जो है वो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करना शुरू किया, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता आई। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अभी हम लोग देखेंगे, अब पॉपुलेशन की बात हम लोगों ने किया कि जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, लोगों के अंदर जो अवेयरनेस फैलाई गई अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन के लिए, तो ये अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन क्या कहलाती है? तो हम लोग देखेंगे अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। क्या कहते हैं इसको? पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन या हिंदी में हम कह सकते हैं इसको जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या चीज है? तो जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जब किसी भी देश की जनसंख्या जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और देश के अंदर जो उपस्थित संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो कम हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। तो द इनॉर्मस इंक्रीज इन द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन over a short span of time is called population explosion. क्या चीज? इनॉर्मस इंक्रीज इन द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की जनसंख्या में अचानक वृद्धि होने लगे। कितने में? ओवर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम समय में ही अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। तो जरा हम लोग देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है। वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये।
वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड क्या चीज है, तो देखते जाएं। देखो हम लोग 1700 AD से स्टार्ट करते हैं। 1700 AD में 0.6 बिलियन जनसंख्या थी, फिर 1850 में अगर देखा जाए तो ये 1.2 हो गई, फिर अगर हम लोग 1900 में देखें तो ये 1.6 थी, अगर हम लोग 1930 की बात करें तो ये 2.0 थी, अगर हम लोग 2000 सेंसस की बात करें तो इस समय 6.1 था, और अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 तक ये 8.0 पहुंच जाएगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन हो रहा है। इस टेबल से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इस टेबल से कंक्लूजन निकल रहा है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 8000 BC में लगभग 5 मिलियन था, लेकिन ये 0.25 बिलियन पहुंच गया 1 AD तक, और 0.5 बिलियन पहुंच गया, 0.25 बिलियन हो गया कितने में? 1 AD में, लेकिन 0.5 बिलियन में जो है वो पहुंच गया कब तक? 1600 AD तक। 1600 AD में 0.5 बिलियन तक ये पॉपुलेशन जो थी वो पहुंच गई। तो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड अराउंड 750 AD, एंड ह्यूमन पॉपुलेशन जो था वो 750 AD से बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो अगर इस टेबल की बात करें, तो टेबल की बात अगर करें तो 1700 AD में 0.6 बिलियन था, जबकि 1850 में 1.2 हो गया, यानी अगले 150 वर्षों में जो टोटल पॉपुलेशन थी वो डबल हो गई, 1.2 हो गया, 0.6 से कितना हो गया 1.2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 वर्ष के डिफरेंस में जो जनसंख्या थी वो अपने की कितनी हो गई? दुगनी हो गई। तो अगर इसी रेट से ये बढ़ती चली जाएगी तो 2025 तक जो जनसंख्या होगी वो 1 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं, कैसे इसको नोट करेंगे कि इट वॉज बिलीव्ड दैट ह्यूमन पॉपुलेशन in 8000 BC stood at 5 million, but it increased to 0.25 billion in the year 1600 AD तक ये कितना पहुंच गया? One AD तक ये कितना पहुंच गया? 0.25 billion पहुंच गया, और 0.5 billion पहुंच गया 1600 AD में, and 0.5 बिलियन इन 1600 AD तक जो था ये 0.5 बिलियन तक पहुंच गया। तो द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन is believed to जो ग्रोथ है ह्यूमन पॉपुलेशन की, ये ऐसा माना जाता है कि टू हैव स्टार्टेड अराउंड 1650 AD to
1750 AD से 1750 AD अगर देखें तो ऐसे में हम लोगों को कितना मिलता है 0.616 1700 AD में जो है वो 0.6 बिलियन जो थी वो टोटल पॉपुलेशन थी। तो अगर इस टेबल को देखें तो फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन has doubled in 150 years. 150 सालों में पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो लगभग अपने की दुगनी हो गई। अब ये तो था पूरे विश्व का मैटर कि पूरे विश्व में जनसंख्या का ग्रोथ कैसा हुआ। जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन ट्रेंड था वो ये था कि 1700 AD में जो है वो 0.6 था जबकि 1850 में 1.2 हो गया, यानी 150 इयर्स में जो है वो जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या अपने के दुगनी हो गई। अगर 1900 में देखें तो ये 1.6 में हो गया यानी 0.4 बिलियन जो थे वो और बढ़ गए, जबकि 1930 में फिर से 2 हो गया। अब 1930 से 2000 में यानी अगले 70 वर्षों में ये अपने का 3 गुना हो गया यानी 2 बिलियन से सीधे 6.1 बिलियन हो गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट 25 इयर्स में यानी 2000 से लेकर के 2025 तक में जो टोटल जो पॉपुलेशन होगी वो लगभग 8 बिलियन के करीब हो जाएगी। तो ये तो विश्व का था कि पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है। इंडिया में जो है वो पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 350 मिलियन है हमारे इंडिपेंडेंस से आज तक में। कितना है? 350 मिलियन माना गया है हमारे इंडिपेंडेंस से आज तक, और ये लगभग जो है वो बिलियन मार्क्स तक पहुंच गया किसमें? मई 2000 में। जो 2000 का सेंसस था वो ये बता रहा था कि जो हमारे देश की जनसंख्या है वो बिलियंस तक पहुंच गई है। तो अगर 2001 सेंसस को देखें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हमारे देश का वो लगभग 1.7% है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कितना है? 1.7% यानी 17% पर 1000 पर ईयर, 1000 में प्रति वर्ष 1000 में 17 लोगों की इंक्रीजमेंट हो रही है यानी 1.7% ग्रोथ रेट है। तो पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें हम लोग तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या था? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, was around 350 million at the time of our independence. हमारे इंडिपेंडेंस के समय जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो लगभग 350 मिलियन थी। बट इट हैज बीन रीच द बिलियन मार्क इन मई 2000 लेकिन भारतवर्ष की जनसंख्या जो थी वो मई 2000 तक बिलियंस के मार्क्स तक जो है वो पहुंच गई थी। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस 2001 की जनगणना के अनुसार सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट
ग्रोथ रेट इज 1.7%, इट मींस 17 पर 1000 पर ईयर. एट दिस रेट आवर पॉपुलेशन would double in next 3 years. इस रेट से अगर हम लोग देखें तो अगले 3 वर्षों के अंदर हमारी जो जनसंख्या होगी वो अपने की दुगनी हो जाएगी. तो अगर इस रेट से जनसंख्या बढ़ती गई तो देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जो कि लिमिटेड हैं, ये संसाधन जो होंगे वो कम पड़ने लगेंगे और लोगों को जो है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं कम होने लगेंगी. और इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी सिचुएशन को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, क्या कारण है जनसंख्या विस्फोट का, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये जनसंख्या जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है. Causes of population explosion. Population explosion का कारण क्या है, क्या कारण है population explosion का? तो सबसे पहली चीज is decline in death rate. Decline in death rate. मृत्यु दर में कमी हो जाना. जैसे जैसे भारतवर्ष का विकास होता गया, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज जो थी वो स्ट्रांग होती चली गई. तो अगर मेडिकल फैसिलिटीज स्ट्रांग होती चली गई तो बहुत सी नॉन क्यूरेबल डिजीज का भी इलाज पॉसिबल हो सका, उनका भी क्योर होने लगा. और पहले के समय में जिन बीमारियों से लोग मर जाते थे अब उन बीमारियों का इलाज संभव है और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उस बीमारी से नहीं हो रही है. तो ऐसे कंडीशन में जो डेथ रेट थी वो क्या हो गई, डेथ रेट घट गई. और डेथ रेट घट जाने की वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है. दूसरी चीज, इंक्रीज इन लॉन्गिटिविटी. लोगों का जीवन जो था वो बढ़ गया. जैसे बहुत से लोग ऐसे थे जो ब्लड प्रेशर, शुगर और तमाम तरह की बीमारियों को बीमारियों से ग्रसित होने के बाद उनकी डेथ जो थी वो फिक्स हो जाती थी कि अब उन्हें मर जाना है. लेकिन अभी मेडिकल की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाने की वजह से ऐसे बीमारियों के साथ भी लोग अपनी लाइफ को नॉर्मली जी रहे हैं, उनका जीवन जो है वो प्रॉपरली चल रहा है. तो इस तरह से उनका जो जीवन था वो जीवन बढ़ गया. और जीवन जब बढ़ गया तो ऐसी कंडीशन में भी पॉपुलेशन जो थी वो डिक्लाइन नहीं होगी बल्कि पॉपुलेशन ग्रोथ होगी. तीसरी चीज, डिक्रीज इन मैटरनल मॉर्टलिटी रेट. मैटरनल मॉर्टलिटी रेट जो था जिसको हम लोग क्या कहते हैं MMR, इस मैटरनल मॉर्टलिटी रेट में भी कमी आई. मैटरनल मॉर्टलिटी रेट में भी जो कमी आई वो मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से, लोगों के अंदर अवेयरनेस की वजह से, जिससे लोगों ने अपने बच्चों को प्रॉपर एज में ही मैरिज करना शुरू किया, प्रॉपर एज में शादी विवाह होने लगे. तो ऐसे में एक वेल डेवलप्ड फीमेल का विवाह होने लगा जिससे उसके अंदर जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो डेथ का रीजन था वो रीजन खत्म हो गया. और इससे जो है वो महिलाएं जो थी वो सेफ डिलीवर करने लगी, सेफ डिलीवरी होने लगी तो वो जिंदा रह गई. तो ऐसी कंडीशन में भी जो जनसंख्या की बढ़ोतरी थी वो आगे बढ़ी. तो जब भी डेथ रेट घटेगी तो ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन जो होगी वो इंक्रीज होगी. अभी और क्या चीज हुआ कि डिक्लाइन इन नेटल डेथ रेट. नेटल
डेथ रेट में जो है वो भी कमी आई, जो नवजात शिशु थे जो जन्म के बाद किसी बीमारी की वजह से मर जाते थे या जन्म के 2-4 साल के बाद मर जाते थे, उनके उनकी डेथ रेट में भी कमी आई है। और शिशु मृत्यु दर में जब कमी आई तो डेफिनेटली वो शिशु जो हैं वो बड़े होकर के एक जो है वो युवक बनेंगे और फिर वो इस देश की पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। तो इस वजह से भी जो है वो पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हुई। अभी और क्या हुआ, बहुत सी जो महामारी थी, जैसे पहले के समय में हैजा चलता था, कॉलरा, जॉइंडिस और टाइफाइड, तो ये सारी ऐसी बीमारियां थी जो एक एपिडेमिक के रूप में होती थी और इनसे बहुत सारे लोग जो है वो मर जाया करते थे। तो अभी एक नया प्रोग्राम चलाया गया, क्या, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम डिक्रीजेस द डेथ रेट ऑफ इन्फेंट। जितने भी शिशु थे उनका इम्यूनाइजेशन होने लगा, उनका टीकाकरण होने लगा और इस टीकाकरण होने की वजह से भी उनकी डेथ रेट में कमी आई और पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई। Several fatal diseases have been controlled. बहुत सारी घातक बीमारियां जो थी वो नियंत्रण में आ गई थी। अभी तो सबसे बड़ी चीज थी कि देश में अशिक्षा और गरीबी थी, तो गरीबी की वजह से जो है वो लोग अक्सर लोग भुखमरी से मर जाते थे। तो अभी इस चीज में भी कमी आई है कि there is no justification for hunger and death of death due to starvation। कोई भी ऐसा केस नहीं मिल रहे हैं जिससे ये हो सके कि किसी भी व्यक्ति की भूख से या भुखमरी के कारण जो है वो मृत्यु हो गई है। तो भूख से और भुखमरी से मरने वाले लोगों की भी संख्या क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये सभी कारण थे जिनकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो अनियमित रूप से ग्रोथ करती गई, बढ़ती गई और इस तरह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन था, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के लिए एक फाउंडेशन तैयार हो गया। अब सिक्वेंसी देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की, सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहली चीज डिक्लाइन इन डेथ रेट, सबसे पहली चीज डिक्लाइन इन डेथ रेट। दूसरी चीज इंक्रीज इन लॉन्गिविटी यानी जीवन जो है वो बड़ा हो गया। तीसरी चीज बेटर पब्लिक हेल्थ एंड केयर। पब्लिक का जो है वो प्रॉपर हेल्थ और केयर सही हो गया। एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज मेडिकल टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज्यादा जो है वो टेक्निक्स जो है वो अप्लाई हुई जिनसे लोगों का प्रॉपर इलाज होने लगा और लोगों के प्रॉपर इलाज होने की वजह से उनके अंदर जो है वो डेथ रेट में क्या हुई, कमी आई और इनकी डेथ रेट कम हो जाने की वजह से जो है वो क्या हो गया, इनकी डेथ रेट में कमी आने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा। तो ये सारी जो थी वो सीक्वेंसेस थी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की।
इतनी चीजें आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को हम कैसे रोकें, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं, और मतलब हम कैसे जो है वो फैमिली को कंट्रोल कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे।